हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इन्फिनिटी। आज हम करने वाले हैं डीटी प्लस बीटीजीटी मैथ्स का जो एग्जाम 2018 में हुआ था उसका सोल्यूशन। इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। एंड जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली क्वालिटेटिव वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो और फर्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर फोर सेट्स ऑफ वैक्टर्स A, B, C, D in 3. Out of this set of vectors, one set is linearly dependent in 3. Identify this linearly dependent set. तो हमें पता है कोई भी सेट लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट इक्वल जीरो हो जाए, वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट सेट होता है। या फिर जो हमें सेट ऑफ वैक्टर्स दे रखे हैं उसमें जीरो 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 वैक्टर हो तो वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा। तो यहां या तो हम उनका डिटर्मिनेंट निकालें, जो डिटर्मिनेंट जीरो आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा, या फिर देखें जिस सेट के अंदर जीरो 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 वैक्टर होंगे वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट के अंदर नहीं है, ऑप्शन सेकेंड के अंदर भी नहीं है, ऑप्शन थर्ड के अंदर भी नहीं है, एंड ऑप्शन फोर्थ जीरो जीरो सेट है तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट एन ग्रेटर देन वन बी फिक्स्ड एंड ए बी सी डी आर्बिट्रेरी इंटीजर्स इफ ए कॉन्ग्रेंस बी मोड एन एंड सी कॉन्ग्रेंस डी मोड एन, देन हमें देखना है कौन सा रिजल्ट ट्रू होगा। तो हमें दे रखा है ए कॉन्ग्रेंस बी मोड एन एंड दे रखा है सी कॉन्ग्रेंस डी मोड एन, तो एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है ए सी कॉन्ग्रेंस बी डी मोड एन एंड ए प्लस सी कॉन्ग्रेंस बी प्लस डी मोड एन, इनकी मल्टीप्लाई एंड इनका सम, ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है। तो यहां हमारे पास ऑप्शन थ्री करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 देन ए इनवर्स इज डायगोनलाइजेबल इफ, हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है 3 क्रॉस 3 की एंड लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 ये हमें आइगन वैल्यूज दे रखी हैं और हमें बताना है ए इनवर्स, जो ए इनवर्स है वो डायगोनलाइजेबल कब होगा। तो हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है जो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के केस के अंदर जो आइगन वैल्यूज दिए होते हैं वो नॉट इक्वल टू जीरो होते हैं। तो यहां सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन के अंदर जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 की वैल्यू दे रखी है, लैम्डा 3 इक्वल जीरो है, और नॉन सिंगुलर के केस के अंदर लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 नॉट इक्वल जीरो होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 कोई भी जीरो के इक्वल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द यूनिट डिजिट ऑफ 3 की पावर 100 इज, हमें 3 की पावर 100 का यूनिट डिजिट बताना है कौन सा होगा। तो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, तो 7 यूनिट डिजिट हो जाएगा, एंड 3 की पावर 4 81, तो 81 1 यूनिट डिजिट हो जाएगा, एंड 3 की पावर 5 243 और 3 यूनिट डिजिट हो जाएगा, एंड यहां से रिपीट होना स्टार्ट हो गई। तो हमारे पास ये है 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9 एंड 3 की पावर 3 7 एंड 3 की पावर 4 1, ये उनके यूनिट डिजिट हैं और हमें निकालना है 3 की पावर 100, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 के प्लस 1 एंड इसे लिख सकते हैं हम 3 की पावर 4 के प्लस 2 और ये हो जाएगा 3 की पावर 4 के प्लस 3 एंड ये हो जाएगा 3 की पावर 4 के प्लस 4। ऐसा कोई भी सम हो जिसमें यूनिट डिजिट फाइंड करना हो
तो उसे हम 4k प्लस 1, 4k प्लस 2, 4k प्लस 3 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इससे करना इजी रहता है और हमें फाइंड करना है 3 की पावर 100। तो इस 100 को लिख सकते हैं हम 4 मल्टीप्लाई 25। तो ये हो जाएगा इस केस के अंदर 3 की पावर 4k प्लस 4, क्योंकि यहां भी रिमाइंडर 0 आ रहा है और यहां भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। और या फिर हम इसे ये भी देख सकते हैं 4 24 प्लस 4, ये भी 100 ही बनेगा और ये इस केस में आ जाएगा और इसका यूनिट डिजिट 1 होता है तो इसका भी 1 हो जाएगा एंड हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहां ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट ही होती है, इफ ए इज डायगोनलाइजेबल देन ए का ट्रांसपोज इज डायगोनलाइजेबल, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वेयर माइनस 2 आइटा एक्स प्लस 3 इक्वल 0। ये हमें इक्वेशन दे रखी है और हमें फाइंड करने हैं इसके रूट्स। तो हमें पता है सम ऑफ रूट्स होते हैं माइनस ऑफ जो एक्स का कोफिशियंट होता है माइनस 2 आइटा डिवाइड बाय जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट होता है 1, तो ये हो जाएगा 2 आइटा। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट होते हैं हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है जो 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट 1 3। अब हम बाय ऑप्शन देखते हैं, जिस ऑप्शन के अंदर हमें सम 2 आइटा एंड प्रोडक्ट 3 आइटा मिलेगी वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारे पास 3 आइटा एंड माइनस आइटा, अगर इनका सम करें 3 आइटा प्लस माइनस आइटा तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 आइटा माइनस आइटा 2 आइटा, तो सम तो हमारा 2 आइटा आ रहा है। एंड इनकी अगर प्रोडक्ट करें 3 आइटा की प्रोडक्ट माइनस आइटा के साथ ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 3 आइटा स्क्वेयर और ये हो जाएगा 3, एंड प्रोडक्ट भी 3 आ रही है तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मेनी कार्ड्स मस्ट बी पिक्ड फ्रॉम ए स्टैंडर्ड पैक ऑफ 22 कार्ड्स टू श्योरली गेट 2 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट। हमें 52 कार्ड दे रखे हैं जिसमें क्लब है, डायमंड है, हर्ट भी है और स्पेड भी है। तो ये हमारे पास कार्ड्स हैं और हमें बताना है कि कितने कार्ड हम निकालें कि 2 कार्ड कि 2 कार्ड्स सेम आए। ऐसे कितने कार्ड हम निकालें कि 2 कार्ड सेम आए, इतने श्योर हो हम कि 2 कार्ड सेम हो। तो निकालने को तो हम 2 कार्ड भी निकाल लें, हो सकता है कि दोनों कार्ड क्लब हो, श्योर तो नहीं है ना। हमें बताना है कि कितने कार्ड निकालें कि श्योर हो। तो हमने 4 कार्ड निकाले तो हो सकता है चारों अलग अलग हों, हो सकता है 2 ये हो 2 ये हो, लेकिन यहां भी श्योर नहीं है। हम 5 कार्ड निकालें तो चारों अलग अलग हो सकते हैं लेकिन एक ऐसा कार्ड बचेगा जो या ये होगा या डायमंड होगा या हर्ट होगा या स्पेड होगा, ऐसा एक कार्ड तो बचेगा। तो यहां 5 कार्ड हम ऐसे निकाल सकते हैं जिसमें हम श्योर हैं कि 2 कार्ड सेम होंगे। तो यहां ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 5 कार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमें लीनियर इक्वेशन बतानी है ऑफ टू वेरिएबल्स की, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 इस फॉर्म में होगी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब हम फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं एक्स माइनस 1 एंड वाई प्लस 2 इक्वल 0। अगर इनकी मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स वाई की फॉर्म में हो जाएगा तो ये लीनियर तो नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 गलत। ऑप्शन सेकेंड है हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल 0, तो ये इस फॉर्म में है तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन थर्ड भी चेक कर लेते हैं 7x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल 0, तो यहां तो 3 हो गए वेरिएबल एक्स वाई जेड, तो ऑप्शन 3 भी गलत। ऑप्शन नंबर 4 y प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2, तो यहां तो स्क्वेयर में हो जाएगा तो ये भी गलत, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट हैव द सॉल्यूशन 7 एंड माइनस 9। तो यहां हमारे पास x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू माइनस 9, और ये वैल्यूज हम इक्वेशन के अंदर पुट करके देखते हैं। जो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें डजंट हैव द सॉल्यूशन बताना है, जो इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए जो इक्वेशन नॉट इक्वल टू 0 देगी वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन 1 के अंदर पुट करते हैं 6, y की वैल्यू है हमारे पास माइनस 9, माइनस 3, 7 प्लस 75 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 54, माइनस 21 प्लस 75, माइनस 75 प्लस 75, ये तो 0 आ गया। तो ऑप्शन 1 हमारा गलत हो जाएगा। एंड अब हम ऑप्शन 2 चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन के अंदर 7, y की वैल्यू माइनस 9 एंड 9, और x की वैल्यू 7 प्लस 1 इक्वल 0। अब ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 63 एंड माइनस का 63 प्लस 1, एंड ये हो जाएगा माइनस का 126 प्लस 1 एंड माइनस का 125। ये नॉट इक्वल टू 0 तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसका मतलब ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली क्वालिटेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।